ठीक है, मेरा शिदा जब बात करेंगे क्या आपको आईफोन 11 को इस साल परचेस करना चाहिए या नहीं। तो आईफोन 11 बहुत ही बढ़िया आईफोन है, इसमें आपको बहुत ही बढ़िया कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि इस साल आईफोन 11 को परचेस करना सही डिसीजन रहेगा या नहीं, तो जाने के लिए थोड़ा घंटे जरूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं व्हाई टू बाय, बाद में व्हाई नॉट टू बाय, देन कंक्लूजन। और कंक्लूजन में आपको बता दूंगा कि आपको आईफोन 11 को इस साल परचेस करना या नहीं। तो शुरू करते हैं व्हाई टू बाय से। तो सबसे पहला रीजन है डिजाइन। तो डिजाइन आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है आईफोन 11 में। 15.49 सेंटीमीटर का 6.1 इंच का ऑल स्क्रीन लिक्विड LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर ग्लास एंड एल्यूमिनियम की डिजाइन है। तो प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलती है आईफोन 11 में। IP68 की रेटिंग है, तो अप टू 2 मीटर तक 30 मिनट तक वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलता है आईफोन 11। तो ओवरऑल बात करें तो डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलती है आईफोन 11 में। दूसरा है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया आईफोन 11 में। 15.49 सेंटीमीटर का 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है आईफोन 11 में। डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, ट्रू टोन डिस्प्ले और 625 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो ब्राइट है डिस्प्ले आईफोन 11 का। 1792x828 पिक्सल का रेजोल्यूशन है एट 326 ppi, 1400:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, वाइड कलर डिस्प्ले और हैप्टिक टच है। तो ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया आईफोन 11 में। तीसरा पॉइंट है कैमरा। तो कैमरा की बात करें तो ड्यूअल 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है आईफोन 11 में। तो कैमरा की बात करें तो मेगापिक्सल काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है आपको आईफोन्स में, तो इमेजेस बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कैमरा बहुत ही बढ़िया आईफोन 11 में। फोर्थ प्रोसेसर दो बाइनिंग A13 चिप है आईफोन 11 में, तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होगी, तो गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो बायोनिक A13 चिप बहुत ही पावरफुल है, तो गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, डे टू डे परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। ओवरऑल बायोनिक A13 चिप बहुत ही बढ़िया है, तो गेमिंग के लिए, डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आईफोन में आपको उनकी चिप देखने को मिलती है, मतलब बायोनिक A13 चिप देखने को मिलती है, तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया होती है। इसलिए गेमिंग के लिए या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया आईफोन 11 में। और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है 20 वॉट का, लेकिन यहाँ पर 5 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलता है बॉक्स में, तो आपको चार्जर बाद में खरीदना होगा। तो 20 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है फास्ट चार्जिंग का आईफोन 11 में। पांचवा पॉइंट है प्राइस। तो प्राइस की बात करें तो अब इसकी प्राइस है 49,900, लोएस्ट आपको देखने को मिलता है अमेजोन पे 39,000 का और फ्लिपकार्ट पे 45,000 का। तो सेल के दौरान आपको बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलता है आईफोन 11, हो सकता है इससे भी कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा सेल के दौरान। आप pricehistory.in पे जाके लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके वहां पर देख सकते हैं क्या लोएस्ट प्राइस है इसकी, तभी आप परचेस कर सकते हैं, अलर्ट आप लगा सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आपको वेट करना होगा सेल के दौरान इसे आप परचेस कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इसकी अभी प्राइस बहुत ही ज्यादा है, 49,900 प्राइस है इसकी। तो सेल के दौरान आपको 39,000 अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे 45,000 का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करें तो आपको सेल के दौरान बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलेगा आईफोन 11। तो प्राइस की बात करें तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्राइस हिस्ट्री में जाके, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा सेल का। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं आईफोन 11 को। तो बात करते हैं व्हाई नॉट टू बाय। तो सबसे पहला रीजन है कि आपको सपोर्ट देखने को मिलता है 20 वॉट का आईफोन 11 में, लेकिन आपको देखने को मिलता है 5 वॉट का अडैप्टर बॉक्स में। तो बॉक्स में आपको स्लो चार्जर देखने को मिलता है, तो 20 वॉट का चार्जर आपको बाद में परचेस करना पड़ेगा। तो बॉक्स में आपको 5 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है स्लो चार्जर, तो 20 वॉट का चार्जर बाद में परचेस करने के बाद फास्ट चार्जिंग आप कर सकते हैं आईफोन 11 में। तो आईफोन 11 में 20 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट है, तो 5 वॉट का अडैप्टर देखने को मिलता है बॉक्स में, तो बाद में आपको परचेस करना पड़ेगा 20 वॉट का चार्जर इसे फास्ट चार्ज करने के लिए। छोटी सी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है कि यहाँ पर आपको HD LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, या फिर OLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो आईफोन में आपको बहुत ही बढ़िया OLED डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, ऊपर से HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो इतनी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आईफोन 11 में बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर OLED डिस्प्ले होता तो बहुत ही बढ़िया होता, OLED डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होते हैं आईफोन्स के, लेकिन यहाँ पर आपको LCD HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर HD डिस्प्ले और OLED डिस्प्ले नहीं है। और तीसरा पॉइंट है नो हाई रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता आईफोन 11 में। 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है आईफोन 11 में। तो अगर 90Hz होता, 120Hz होता तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पर आपको 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, OLED डिस्प्ले भी नहीं है और हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया होती है आईफोन्स में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी 60Hz से या फिर HD डिस्प्ले से, डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो और बात करें तो तीन ही कौन से, 5W का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन 20W का चार्जिंग का सपोर्ट है, या फिर HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है और OLED डिस्प्ले नहीं है, या फिर LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और 60Hz का रिफ्रेश रेट है, तो हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। तो इतने से कौन से, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा आईफोन 11 में, डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन बहुत ही आसान है कि वैल्यू फॉर मनी आपको देखने को मिलता है आईफोन 11, तो आईफोन 11 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले भी अच्छा है। तो और बात करें तो वैल्यू फॉर मनी है, तो बात करें कि आपको इस साल परचेस करना है आईफोन 11 को या नहीं, तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं आईफोन 11 को परचेस। आईफोन 11 बहुत ही बढ़िया आपको आईफोन देखने को मिलता है, वैल्यू फॉर मनी आईफोन देखने को मिलता है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया आईफोन आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करें तो आप परचेस कर सकते हैं आईफोन 11 को इस साल 2022 में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक
करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आप देख सके मेरे नए वीडियो सबसे पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।